स्टेप वन इज डी आई वाई हेयर कलर तो मुझे ना बीच मिडिल सेक्शन में थोड़े से ग्रे हेयर के इश्यूज हैं तो इसके लिए मैं मेहंदी अप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में मेहंदी ले ली थी इसमें दो टेबल स्पून इंडिगो पाउडर दो टेबल स्पून भृंगराज पाउडर दो टेबल स्पून शिकाकाई पाउडर और एक से डेढ़ टेबल स्पून नीम पाउडर मैं ऐड करने वाली हूँ इसे ऐड करने के बाद मैं इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड करूँगी एंड देन इसके साथ ही साथ मैं चाय पत्ती भी ऐड करने वाली हूँ ये पाउडर फॉर्म में थी तो मैंने सोचा ऐड कर लेती हूँ मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं लेमन जूस भी डाल रही हूँ सो दैट की जो डैंड्रफ के इशूज़ होंगे वो ट्रीट हो जाएंगे एंड लास्ट में थोड़ा सा वाटर ऐड करके आपको एक थक थिक कंसिस्टेंसी का लाइक हेयर पैक रेडी रेडी कर लेना है एंड ये मेहंदी आपको ओवरनाइट छोड़ देना है नेक्स्ट मॉर्निंग मैं यहाँ पे मेहंदी का एप्लीकेशन कर विद द हेल्प ऑफ माई सिस्टर एंड मेक श्योर करना कि ये मेहंदी का एप्लीकेशन आपको ग्लव्स पहनने के बाद ही करना है वरना आपके पूरे हैंड्स रेड हो जाएंगे तो अगर ना आपको भी सैलॉन लाइक हेयर चाहिए अपने कोई भी भाई बहन के वेडिंग में देन मेक श्योर कीजिए कि ये वाला मेहंदी पैक ये वाला डेफिनेटली से डियावा हेयर कलर अपने बालों में अप्लाई कीजिए बिकॉज ये आपके बालों में एक अलग सा नेचुरल ब्राउनिश बर्गन कलर भी देती है एंड एट द सेम टाइम इसके अंदर जो मैंने आंला नीम भिंगरा शिकाई जो ऐड किया है ना वो आपके बालों को और ज्यादा वॉल्यूमिनाइज बनाएगा स्ट्रेंथन करेगा आपके बाल और ज्यादा हेल्दी रहेंगे शाइन करेंगे सो so अगर अभी तक कभी लाइफ में मेहंदी नहीं लगाई ना तो एक बार ट्राई करके देखो बिकॉज मैं ये तब से लगा रही जब से मैं टेंथ क्लास में थी एंड तभी मेरे बाल ना इतने ज्यादा नेचुरली सिल्की हैं एंड बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं इसे अप्लाई करने के बाद ना आप कोई भी शार्क कैप या फिर कोई भी पॉलिथिन की हेल्प से अपने बालों को कवर कर लीजिए सो दैट कि मेहंदी कहीं ड्रिप ऑफ ना हो जाए एंड मैं इसे दो से तीन घंटा छोड़ने वाली हूँ आप एक से दो घंटा भी छोड़े तो वेल एंड गुड उसके बाद आपको अच्छे तरीके से शैम्पू कर लेना है शैम्पू करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड ट्रस्ट मी बालों में इतना वॉल्यूम आ जाता है आपके बाल बहुत हेल्दी दिखते हैं स्टेप टू इज़ अंडर आर्म हनी वैक्स तो गाइज़ इस टाइम पे मेरी हेयर ग्रोथ ना कुछ ज़्यादा ही हो गई थी तो सोचा कि ग्लोअप रूटीन में मैं इसे भी इंक्लूड कर लूँ गाइज़ जैसे कि जानते हो आप लोग कि मैंने रेजर से स्विच कर लिया है वैक्स में एंड दिस टाइम मैंने ट्राई किया है हनी वैक्स ये भी हनी वैक्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है थोड़ा सा आई नो पेन तो होता ही है देखो वैक्सिंग में बट रीका वैक्स मैं हमेशा करवाती थी क्योंकि रीका वैक्स थोड़ा सा कॉस्टली था तो मैंने सोचा कि इस बार मैं थोड़ा बजट फ्रेंडली दिखाती हूँ आपको तो ये हनी वैक्स मुझे फोर्टी uh, ज में दोनों अंडर आर्म्स हो गए थे मेरे एंड डेफिनेटली अगर आप वैक्सिंग आप करवाना स्टार्ट करते हो ना आपकी हेयर ग्रोथ वहाँ की स्लो डाउन हो जाएगी सॉफ्ट हेयर ग्रोथ होगी एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे ना आपको डार्कनिंग का भी इश्यूज़ नहीं होगा तो पक्का से रेजर से स्विच कर लीजिए यार अब तो हनी वैक्स में या फिर तो चॉकलेट वैक्स में क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल है स्टेप थ्री इज़ फुल हैंड वैक्सिंग तो यार देखो गर्ल्स शादियों में स्लीवलेस तो पहनती ही पहनती है ना उनका हक बनता है तो उसके लिए एटलीस्ट हमारा फेस का कलर हमारे हैंड्स के कलर से तो मैच करना चाहिए ना तो बेस्ट है कि आप लोग चॉकलेट वैक्स में जाओ बिकॉज चॉकलेट वैक्सिंग से आपके जितने भी हाथ में हेयर होते हैं ना वो तो रिमूव होते ही होते हैं बट एट द सेम टाइम आपकी जो भी हैंड्स में टैनिंग होती है जो डेड स्किन सेल्स होती है ना मैल शैल होती है ना वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव हो जाती है ये देख सकते हो एकदम डार्क कलर का मिलता है एंड ये इतनी ईजिली आपके हेयर को रिमूव कर देता है ना आपको बहुत ही कम पेन होगा डेफिनेटली यार ट्राई करके देखना इससे ना आपको इनग्रोन हेयर की भी प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत सारे ऐसे बम्पीनेस हो जाती है ना स्किन पर रेजर यूज़ करने से तो इसे यूज करने से ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा आपको फील नहीं होगा इनफैक्ट आपकी स्किन और ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग हो जाएगी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है विद दिस चॉकलेट वैक्स बहुत पोस्ट वैक्स आपको मेकशो sure करना है अच्छे तरीके से अपने हैंड्स को वॉश करने के बाद आपको भर भर के बॉडी लोशन यूज़ करना है एटलीस्ट दो तीन दिन, दिन तक बिकॉज क्या होता है ना वैक्सिंग से आपके पोर्स ना ओपन ओपन हो जाते हैं स्किन के तो उसमें ना डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ कीजिए एंड अच्छी तरीके से ना आपको आम, मसाज करनी है स्टेप फोर इज़ फुल लेग चॉकलेट वैक्स तो यार वैसे तो शादी में नीड नहीं पड़ती है लेग्स को वैक्स करवाने की बट मैं एक सीक्रेट ट्रिप पे जाने वाली हूँ शादी अटेंड करने से पहले तो वहाँ के लिए मैं ये लेग वैक्सिंग करवा रही हूँ तो गाइज़ वैक्सिंग करवाना या फिर हेयर रिमूव करवाना ये टोटली आपका चॉइस होता है अगर आपको आपकी हेयर पसंद है वेल एंड गुड बट अगर आप रिमूव करवाना चाहते हो तो रिमूव करवा सकते हो एंड मैं आपको बेस्ट ऑप्शन दे रही हूँ आप रेज़र भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको लेग में थोड़ा सा पेन होता है बस मुझे ना लिटरली कहीं भी बॉडी पार्ट पे पेन नहीं होता वैक्स करवाने से बट लेग में कुछ ज़्यादा ही पेन होता है अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे वैक्सिंग करवा दी थी एंड मेक श्योर कीजिए ना कि आपने अपने वो फुट एरिया पे भी हेयर uh, रिमूव करवाना क्योंकि वहाँ पर भी टैनिंग होती है तो वो इवनली रिमूव हो जाती है पोस्ट वैक्स बॉडी लोशन अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिए अच्छी तरीके से स्किन को आपको क्लेंस करना है वॉश करना है एंड उसके बाद आपको बॉडी लोशन लगाना है एंड मेक श्योर कीजिए कि एक दो दिन तक फुल uh, स्लीवस के कपड़े मत ही पहनो तो ज़्यादा बेटर है स्टेप फाइव इज आईब्रोज तो देख सकते हैं मेरी आईब्रोज़ की एकदम फुल ग्रोथ हो गई है एंड देन मैं अपने आईब्रोज़ को शेपन दिलवा रही हूँ तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी एडवाइस अगर आप शादी में जाने वाले हो ना तो एक डेढ़ महीने तक अपने आईब्रोज़ को बिल्कुल भी शेप मत दीजिए एकदम फुल ग्रोथ होने दीजिए फुल ग्रोथ होने के बाद जब आप अपने आईब्रोज़ को शेपन दोगे ना वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगेगी एंड बहुत अच्छा फिनिश आता है इनफैक्ट सेकेंड थिंग आईब्रोज आपको शादी के एक से दो दिन पहले ही बनवाना है बिकॉज जो फ्रेशली बट आईब्रोज होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं आपके आईब्रोज़ को आईब्रो पेंसिल की भी नीड नहीं होगी एंड अगर आप लोग सोच रहे होगी ना कि ये सारी चीज़ें मैं किससे करवा रही हूँ एंड घर पर कैसे करवा रही हूँ तो मैंने अर्बन क्लैब बुलाया था मैं उन्हीं से ये सारी सर्विसेज ले रही हूँ बहुत ही अफोर्डेबल भी होती हैं आईब्रोज बनाने के बाद अपर लिप्स बनाने के बाद मेक श्योर कीजिए कि अच्छी तरीके से ना आपको एलोवेरा जेल को एक थिक लेयर में अप्लाई करना है सो so दैट की कोई भी काइंड ऑफ बर्निंग सेंसेशन आपको ना हो स्टेप सेवन इज फेस क्लेंसिंग सो स्किन को क्लीन करेंगे सबसे पहले बट इस टाइम पे डल एंड ड्राई लगती है ना स्किन बट नॉट एनी मोर बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज दिस मामा अर्थ हनी मलाई फेस वॉश इस ये क्रीमी टेक्स्चर डेवलप हो जाता है इन टू लाइट फोम जेंटली क्लेंज द स्किन आपके डर्ट एंड ग्राइम को रिमूव करेगा विदाउट मेकिंग आर स्किन ड्राई गुडनेस ऑफ हनी एंड मलाई मेकिंग आर स्किन स्मूद लाइट एंड ग्लोइंग हनी हेल्प्स टू प्योरीफाई द स्किन एंड मलाई हेल्प्स टू सूद इट आफ्टर फेस वॉश मॉइस्चराइजेशन के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ममा अर्थ हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर सबको लगता है हनी एंड मलाई चिपचिप होता है बट नॉट एनी मोर बिकॉज ऑफ दिस ऑयल फ्री फॉमला ये मॉइस्चराइजिंग है एट द सेम टाइम कीप ऑयलीनेस एट बे ये नॉन स्टिक मॉइस्चराइजर है फॉर डेली नरिशमेंट जो आपकी स्किन में हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करेगा विदाउट एनी चिप चिप सो विद दीज प्रोडक्ट्स आई एम एश्योर दैट दिस विंटर सीजन आई ग्लो नेचुरली इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा कुपन कोड यूज करते पी एस डब्ल्यू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिलेगा दीज प्रोडक्ट्स आ अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट नाइका एमेजॉन एज वेल एज ऑफलाइन स्टोर्स मामा हथ से परचेज करने से आइए आपके लिंक को ऑर्डर कर देते हैं टू अ ट्री दे प्लान आप ये ट्री को ट्रैक कर सकते हैं थ्रू योर ऑर्डर बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मामा हथ ने एम किया है टू प्लान वन मिलियन ट्रीज स्टेप सेवन इज़ द अंडर आर्म केयर तो यहाँ पर मेरे पास एक चारकोल का फेस पैक पड़ा था मैं इसे अपने पूरे अंडर आर्म्स एरिया पर अप्लाई करने वाली हूँ एंड ये स्टेप आपको वैक्सिंग वाले दिन नहीं करना है जिस दिन अंडर आर्म की वैक्सिंग की उसके नेक्स्ट डे अप्लाई करना है सो so, जो चारकोल होता है ना वो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है इसमें एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो आपके पिट्स को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना के रखती है एंड साथ ही साथ ना ये आपके अंडर आर्म ओडोर को मेनटेन भी करके रखता है बहुत ही फ्रेश फील करता है आपका अंडर आर्म एट द सेम टाइम ये आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके अच्छी तरीके से आपके अंडर आर्म्स को ना बहुत ही ज़्यादा स्मूदर बना देगा एंड आपके अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा लाइटन भी फील करेंगे सो डू ट्राई दिस स्टेप एट इज ग्लो क्लीन अप जो कि ईजली टीन एजर एडल्ट या फिर कोई भी एज में हो ना आप इजली इसे फॉलोअप कर सकते हो तो सबसे पहले हमें अपने फेस को वॉश कर लेना है बिकॉज अगर आपका फेस क्लीन नहीं है दैट मीन्स आप कोई भी नेक्स्ट फर्दर स्टेप करोगे तो आपको एक्ने जैसे इश्यूज हो सकते हैं एंड स्किन में प्रोडक्ट्स भी पेनिट्रेट नहीं होंगे तो फेस वॉश करने के बाद आपको अच्छी तरीके से अप्लाई करना है स्क्रब यहाँ पे मैं बायोटिक का स्क्रब यूज़ करूँ आप कोई भी ब्रांड का स्क्रब यूज़ कर सकते हो अप्लाई करने के बाद ना आपको एक से दो मिनट तक ना इस स्क्रब को अच्छे से मसाज करना है अपने फेस से इससे क्या होगा आपकी जितनी भी डेड स्किन सेल्स होंगी ना वो एक्सफुलट हो जाएंगी आपका ओवरऑल स्किन का टेक्स्चर बहुत इंप्रूव होगा आपको जितने भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड जैसे इशूज़ होंगे ना वो भी फेड अवे हो जाएंगे अच्छे तरीके से आपको स्क्रब करना है एंड मेक श्योर कीजिएगा ना कि की बहुत ही हार्शली मत कीजिए एकदम लाइट हैंड से कीजिए उसके बाद मेरी स्किन बहुत स्मूथ नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल में थोड़ा सा सेफ्रॉन मिक्स कर लिया था एंड देन मैं इसे इवनली अपने पूरे स्किन पे अप्लाई करने वाली हूँ बेसिकली ये एक तरीके का स्किन प्रेप है सो so दैट कि इसके बा, इसके बाद जब हम फेस मसाज करें तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारे फेस पे हार्श ना हो जाए तो इसलिए मैं एक पूरा लेयर ना एक थिक लेयर अपने फेस पर इवनली अप्लाई कर लूँगी एंड देन उसके बाद आएगा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट इज मसाजिंग बिकॉज मसाजिंग इज द की जितने अच्छे तरीके से आप मसाज करोगे ना अपने फेस को उतना अच्छा आपका ग्लो आएगा फेशियल का या फिर तो क्लीन अप कह लो तो जो जो डायरेक्शन में मैं आपको दिखा रही हूँ ना उसी डायरेक्शन में आपको अच्छी तरीके से टेन से फिफ्टीन मिनट्स तक प्रॉपरली आपको अपने फेस पर मसाज करना है इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा एंड नेक्स्ट डे आपके फेस में एक अलग सा ही नेचुरल ग्लो आ जाएगा अच्छे तरीके से फेस वॉश करने के बाद यहाँ पर मैं फेस पैक अप्लाई करी हूँ यहाँ पर मैं नीम पाउडर यूज़ करी हूँ एंड और ऑरेंज फील पाउडर दोनों को मिक्स करके अच्छी तरीके से रोज़ वाटर की हेल्प से मैं इसे इवनली अपने पूरे फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ बिकॉज मसाजिंग से आपकी स्किन में थोड़ा सा लाइक बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो जाता है तो उसे काम डाउन करने के लिए नीम पाउडर आपको आंखने जैसे इश्यूज से ट्रीट करने में हेल्प करता है एंड ऑरेंज पील पाउडर में तो यार जितनी भी टैनिंग रिमूव होगी ना वो रिमूव हो जाएगी एंड साथ ही साथ आपके फेस में जो भी ब्लेमिशेज हैं जो भी पिगमेंटेशन ना वो भी बहुत ईजिली अवे हो जाएगा तो ये वाला फेस पैक आप ना शादी के एक हफ्ते पहले भी यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो एवरीडे बेसिस पे उसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी आफ्टर टेन मिनट्स एंड ग्लो जो दिख रहा है ना आपको अभी वो एक्चुअली में नेक्स्ट डे ज़्यादा दिखेगा आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड सपल हो चुकी है होगी उसके बाद आपको क्या करना है लास्ट में फेशियल क्लीनअप करने के बाद अपने फेस पे एक थिक लेयर ऑफ एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेना है बिकॉज हमारी स्किन उस टाइम पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है तो एक थिक लेयर एलोवेरा जेल उसे काम डाउन कर देता है स्टेप नाइन इज़ टू स्टेप पेडिक्योर तो गाइस आई नो सबको पसंद है बड़े नेल्स बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझसे बड़े नेल्स एकदम टॉलरेट ही नहीं होते हैं एंड मैं जिस ट्रिप पे जाने वाली हूँ वहाँ पर तो मे मेरे नेल्स ख़राब हो जाएंगे बेटर है कि मैंने कट कर लेती हूँ तो अगर आप फ़ाइल करना चाहते हो तो आप फ़ाइल कर लीजिए सिंपली अपने बड़े नेल्स को अच्छी तरीके से फाइल करने के बाद आपको क्या करना है अच्छे तरीके से अपने फुट एरिया को वॉश कर लीजिए वॉश करने के बाद लास्ट स्टेप होने वाला है हमारा नेल पेंट नेल पेंट आप कोई भी अपने पसंद का कलर का लगा सकते हो बट मुझे ब्लैक पर्सनली इसलिए पसंद है बिकॉज ब्लैक नेल पेंट हम मेरे लेग्स को और ज़्यादा ब्राइटन अप कर देता है दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ब्लैक नेल पेंट लगा लिया एंड जो ट्रिक बताई थी ना आपको लिप बाम वाली वो तो पक्का ट्राई करके देखना देखना आपकी नेल पेंट किसी भी स्किन पर नहीं लगेगा